छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिनके यहां छापा मारा गया है सभी की जानकारी बताए ईडी, सभी के बारे में अलग अलग जानकारी ईडी को बताना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि नान घोटाला मामले की जाँच ईडी क्यों नहीं करती, डॉक्टर रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के यहां कितनी संपत्ति जब्त हुई है इसका खुलासा करे ईडी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दरअसल भाजपा को राज्य का विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि किसके किसके नाम से कितनी जब्ती हुई, रामगोपाल के यहाँ कितनी जब्ती हुई, गिरीश देवांगन के यहाँ कितनी जब्ती हुई, सनी अग्रवाल के यहाँ कितना जब्त किया, आरपी सिंह के यहाँ कितना किया, विनोद तिवारी के यहाँ कितना किया, ये बताओगे कि सबका मिलाप बता दो। अब बताओ ना कि सूर्यकांत तिवारी के यहाँ कितना है, सौम्य चौरसिया के यहाँ कितना है, कि बिश्नोई के यहाँ कितना है, सुनील अग्रवाल के कितना है, जो व्यापारी हैं उद्योगपति हैं उसके हाथ मिलेगा पैसा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जहाँ डाले हो छापा, रामगोपाल गिरीश देवांगन से लेके विनोद तिवारी तक, कितने कितने राशि आपने जब्त की, एक एक बताए ना। विज्ञप्ति जारी किए उसका स्वागत करता हूँ, कम से कम मेरे बयान के बाद विज्ञप्ति जारी किया। लेकिन ये तो बताएं कि विनोद तिवारी के घर, सनी अग्रवाल के यहाँ, आरपी सिंह के यहाँ, गिरीश देवांगन और रामगोपाल अग्रवाल के यहाँ कितने राशि जब्त। आप समझ सकते हो, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहे और आरबीआई ने 2019 में ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 15 साल तक के आप लूटते रहे, खसोटते रहे, लोगों को गरीब से और गरीब बनाते रहे और उनके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब मालदार होते गए, पैसा वाले होते गए। लगातार मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के हम योजना बनाए। अभी स्टाम्प ड्यूटी आप देख लें, पहले 1100 करोड़ था, आज बढ़ के कितना हो गया, 1700 करोड़ हो गया, जबकि कोरोना काल था। दूसरा रजिस्ट्री हमने क्या किया कि कलेक्टर गाइडलाइन से 30% कम कर दिया गया, छोटे भूखंडों की बिक्री छूट दे दी, रजिस्ट्रियाँ बढ़ गई, राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। तो यही तो नीति है, यही हम लोग रणनीति के तहत कैसे पैसा आए। अब गोबर से पैसा कमाने लगे, आज जो 5,500 गौठान है अब हमको पैसा देना नहीं पड़ता, गौठान समिति के पास पैसा हो गया, अब उसे खरीद रहे हैं। तो ये वित्तीय व्यवस्था है जिसको हम लोग कर रहे हैं और जिसके कारण से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, राज्य के राजस्व में वृद्धि हो रही है। और रमन सिंह जी 15 साल में जितने वित्तीय संसाधन हैं उसको अपने मित्रों को बांटने का, चाहे खदान हो चाहे नान हो, सब में भ्रष्टाचार किया। उसके लोग बड़े होते गए, संपन्न होते गए, लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग गरीब होते गए, बात इतनी ही। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अब भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही, तो ईडी आईटी ये सब लगा दिए, तो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं भाई नान घोटाले में, बताओ सीएम सर, सीएम मैडम कौन है, वो पैसा कहाँ गया। इधर इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का पैसा है, लोगों को पैसा लगा नहीं सिर्फ रायपुर का, और जो नार्को टेस्ट हुआ उसमें रमन सिंह के नाम ले रहे हैं, राम विचार का नाम ले रहे हैं और मंत्रियों के नाम ले रहे हैं, उसके पास पैसा दिए, करे ना ईडी जांच। मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है, वो पैसा गया बैंक का, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का पैसा कहीं तो गया। यदि नार्को टेस्ट आप सही नहीं मारे तो पैसा गया कहाँ, चलो FIR तो है, जांच कर लो। किसी व्यापारी उद्योगपति के छापा डालोगे कुछ पैसा मिलता है तो वो तो भाई उनके पास तो चल अचल संपत्ति होगी, उसको हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ पदाधिकारियों में डाले हैं, क्या मिला, ये अपनी विज्ञप्ति में जरूर जब एक दिन कर दिए हैं तो ये भी जारी कर दे के इन नेताओं के यहाँ इतनी इतनी राशि जब्त की गई, क्योंकि छापा डाले आप अधिकारियों के छापा डाले है ना, तो उन अधिकारियों की भी सूची और उसके सामने चला चल संपत्ति वो जरूर जारी करें।
ईडी प्रताड़ना को लेकर आपने कोर्ट में जाने की बात कही, उसको लेकर अभी तक पैसा आया लगाए हैं, कोर्ट गए हैं, कोर्ट गए हैं ना जी। सर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? देखो जनता सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ में जो काम करने वाली सरकार जो राजस्व वृद्धि कर रही और लोगों को उसमें वितरण भी कर रहा है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, चाहे वो मितानीन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कोटवार है, पटेल है, सबके मानदेय वृद्धि भी कर रहे हैं, 65% के लघु अनुपक्षर के समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं, उसे खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं, पैसा है तभी कर रहे हैं ना, 15 साल में तो नहीं किया रमन सिंह जी ने, उसके बाद ही हमारे अर्थव्यवस्था बढ़िया है। कल ही मैंने बताया कि भाई आबकारी में 3900 करोड़ था, बढ़ के 6000 करोड़ हो गया, तो गड़बड़ कहां है? यदि उसमें 3900 करोड़ में कमी आती तब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता। भाई स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें हमारा वृद्धि हुआ है, फॉरेस्ट उसमें वृद्धि हुआ है, खदान उसमें वृद्धि हुआ, माइनिंग में वृद्धि, तभी तो पैसा आ रहा है। जो योजनाएं पिछले सरकार ने संचालित नहीं किया और उसके बाद हम संचालित करके किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमने वित्तीय प्रबंधन अच्छा किया और साथ साथ राजस्व में वृद्धि की, तभी पैसा वितरण हो पा रहा है। हम पिछले साल कर्ज भी नहीं लिए, भारतीय जनता पार्टी जितने राज्य हैं सब में देखो सब कर्जा लिए हैं, 1000 करोड़ के कर्जा लिए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ हमने कर्जा नहीं लिया, तो हमारे वित्तीय प्रबंधन भी ठीक रहा और आय में वृद्धि कैसे करें? अरे भैया 1-0 और लगा देना था, 2000 करोड़ क्यों, 20000 करोड़ कर देते, उसमें क्या है? लेकिन आप चल अचल संपत्ति किसी जब्त की है क्या, कहीं होगा पैसा? आप जब्त करके बताना था ना, ये हमने जब्त किया, कोल स्कीम में बता दिए, 2 उद्योगपति के यहाँ आपने किया और सारे अधिकारी और सारे नेताओं का नाम जोड़ दिए, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, अलग अलग नाम बताओ। इसमें भी आप कह रहे हैं कि इतना हुआ, अरे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं, आपको ये बताना पड़ेगा पैसा है तो कहाँ लगा, आप हवा में बात करेंगे क्या? और जबकि हम बता रहे हैं कि इन 4 सालों में जबकि लॉकडाउन भी था, कोरोना काल था, उसके बावजूद भी इसमें हम 3900 करोड़ से बढ़ा के 6000 करोड़ कर दिए, और उसमें जो आरोप पत्र जिसमें कोर्ट में पेश किया उसमें लिखा है ना कि वो राजस्व हानि हुई, अब 1.5 गुना बढ़ गया, वो हानि है, इसको हानि बोलते हैं तो फिर कुछ कह नहीं सकते भाई, यदि 1.5 गुना वृद्धि हुई है, यदि वो हानि है तो लाभ किसको बोलेंगे आप? विधायकों से बात की, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, कल मंत्रियों से बात करेंगे, परसों फिर महापौर लोगों से बात करेंगे, तो लगातार तौर चल रहा है। इसलिए बढ़ाया गया है तो उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, पेमेंट यही है कि जहां विरोधी दल के लोग बैठे हैं उसको सताओ, उसको टारगेट दिया गया, इस तरह से बढ़ाएं।